सही भी है और बेकार भी लग रहा है। कैसा है खाना खाते हो? खाना खाते हैं बट यहाँ का आके सारे मतलब गोरे वोरे सारे फुद्दू हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारे व्लॉग में आएंगे मेरे तिलक नगर वाले दोस्त, जो बॉर्नमाउथ किस्मत देखो यार, यहाँ के दोस्त भी कौन मिला तिलक नगर का। तो आज हम उससे इंटरव्यू लेंगे कि उसको कैसा लग रहा है यहाँ आके, कैसा लाइफ स्टाइल है यूके का। आई नो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि क्या है यहाँ पे, कैसा है, कैसे रहते हैं सब लोग। तो देखते हैं वो खुश है या उदास है या क्या सीन है उसका। तो मिलते हैं उससे और आपको भी मिलवाते हैं। 5 minutes later. Now I'll be presenting Charan in front of you. Here's Charan. Hi Charan. Hi. So आप यूके कब आए थे? Last year, September में. किस कोर्स के लिए? Digital marketing. Oh, सेम कोर्स, वो तो मुझे पता है। यू नो मैं जिस दिन हम लोग पहली बार कॉलेज गए थे, चाहे कॉलेज बहुत दिनों बाद गए हूँ, बट कॉलेज में जाते ही हम लोग आसपास ये ढूंढ रहे थे कि हिंदी कौन बोल रहा है और पंजाबी और हिंदी वट एवर। ओके, तो हम लोगों ने एक दूसरे की बात सुनी थी और इसने आके मेरे को बोला था हाय। तो हम लोग दोस्त बने। ये आया था 2000 years later. मैं पीछे बैठा था कि आके कह दिया आर यू फ्रॉम इंडिया। तो हाँ ये मैं ही थी, मैं इसके पास गई थी क्योंकि मुझे था कि मेरे को इंडियन दोस्ती बनाना है। तो फिर हम लोग उस दिन दोस्त बने थे और धीरे धीरे बहन भाई वाला रूप ही आ गया हमारे में, क्योंकि इसकी मदर का बैकग्राउंड दुआ का है, वही मेरा है। दुआ जी के व्लॉग्स आप सब जानते ही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम दोनों इसीलिए हम लोगों की अच्छी दोस्ती हुई। तो पहले ही बता कि यहाँ आके कैसा फील हो रहा है यूके, जब से आया है कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए ना। तो कैसा लग रहा है यहाँ? मतलब सही भी है और बेकार भी लग रहा है यहाँ का लाइफस्टाइल। सही है यहाँ पे, एक्चुअली क्या है इंडियन कल्चर नहीं है क्योंकि साउथहैम्पटन पर जाता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, साउथहैम्पटन। और ये अच्छा, और इसकी बात ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है इसकी बॉर्नमाउथ में, और ये इंसान आता है 1 घंटा ट्रैवल करके बॉर्नमाउथ साउथहैम्पटन से। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 second यार मजाक हो रहा है। तो साउथहैम्पटन बेटर है या बॉर्नमाउथ? साउथहैम्पटन ज्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे क्या अपना कल्चर है, थोड़ा बहुत इंडियन एशियन है वहाँ पे, तो सही रहता है वहाँ पे। यहाँ की पढ़ाई कैसी है? यहाँ की स्टडी सही है, अच्छी है। झूठ सच? सही है, मैं नॉर्मल सही है, अभी तक मैंने जितनी क्लासेस अटेंड किया सही है। क्लासेस अटेंड किए? कैसा लगा मेरा मजाक? लास्ट ईयर करी है, इस ईयर नहीं करी। आप लोग बताने सच है या झूठ। तो उसके बाद ये बात करते हैं, सेमेस्टर क्लियर हो गया? सेमेस्टर क्लियर है मेरे। वो तो मेरा भी अभी पेंडिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अलावा खाने वाने का क्या सीन है? खाना खाते हैं बट यहाँ का तो खाना तो सारे ही खाते हैं बट ये कि यहाँ पे सारा बॉइल्ड है, सारा चिकन चुकन जो है बेकार है अपना, मतलब वो नहीं है। अच्छा ये भी ऐसा है, इसने भी चिकन खाना छोड़ दिया है बिल्कुल भी। अच्छा खासा चिकन पाड़ने वाला इंसान अपना तिलक नगर का, यार वहाँ का तो खाना ही फेमस है सबको पता है, इसने सब कुछ खाना छोड़ दिया है। तो अभी के लिए हम लोगों का थोड़ा ग्रुप डिस्कशन का टाइम शुरू हो रहा है, तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो हम लोगों की ग्रुप डिस्कशन पूरी हो गई थी, तो अब हम आ गए हम बाहर और इसे स्टाइल मारना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको वापस छोड़ने जा रही हूँ। तो तब तक के लिए पहले ये बता कि यहाँ दोस्त बने तेरे कोई? भाई हमारे देश के, हमारे देश के लड़कों को इतना शौक था ओहो अंग्रेजों को दोस्त बनाएंगे, यहाँ आके रिव्यूज बता दो। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अंग्रेजों को दोस्त बनाएंगे। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं सबको जानती हूँ और सब यही सोच के आते हैं। थोड़ी देर पहले मुझे खुद अच्छा, बता रहा था इसके थॉट्स हैं, ये खुद बता रहा था इसके थॉट्स हैं, वाह इसने सोचा। और अच्छा मैं क्या सोचूं, ये भी इसने सोच लिया, वाह इसने मुझे थोड़ी देर पहले खुद सब कुछ बताया था और अब ये झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने आते ही। तेरे गोरे दोस्त बने? ये देखो ब्लैंक, ये काफी क्रिएटिव कर लिया कि मैं अपना व्लॉग बड़ा चमका लूं ना। इसके अलावा बता दे कुछ तो, बता यहाँ के बारे में। नहीं यहाँ के सारे मतलब गोरे वोरे सारे फुद्दू हैं और क्या ही बोलूं। फुद्दू क्यों है? पहली बात अभी अपनी तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी भी तो फिर खाली क्लास क्लास तक रहेगी, उससे ज्यादा पार क्लास तक भी बात बनी है। मार्टिन के बारे में कुछ बताया नहीं?
एक मार्टिन बना दोस्त दोस्त भी क्या वो अंकल ही है वो कैसा है नेचर का आपको ज्यादा पता है मतलब यार वो इतना अजीब बंदा है मतलब उस बंदे की इतनी उम्र है और मैं उसको कह नहीं सकती हमारी वहाँ पे इस एज के लोग इतने सेंसिबल होते हैं बट यहाँ पे वो बंदा इतना पागल है बहुत गंदा माहौल है यार इसी के साथ अभी यहाँ पहुँच गए अब हम इसको कहते हैं अलविदा ब्लॉग की इसने सत्यानाश कर दिया क्योंकि कुछ ढंग का नहीं बताया तो मैं मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग के साथ और पहले घर जाके मिलती हूँ उसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे अरे कहना क्या चाहते हो तो अब मैं घर पहुंच गई हूँ तो अब मैं कुछ खाती हूँ मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे बस एक चीज अपडेट करनी थी आप सबको कि आई नो आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो मैं बहुत खुश हूँ बट आप मेरे व्लॉग्स दो दिन में एक बार या तीन दिन में एक बार आएंगे बिकॉज थोड़ा स्टडी प्रेशर भी है असाइनमेंट्स बनाने हैं बहुत काम है और कुछ नया कंटेंट सोचने का टाइम चाहिए क्योंकि डेली व्लॉग्स ठीक है मेरे जो आपस के लोग हैं उनको सबको बहुत पसंद आ रहा है बट एक जो बड़ा रेडियस होता है ना उसको कवर करने के लिए आई हैव टू कम अप विद गुड आइडियाज तो आई हैव टू थिंक फॉर दैट तो मिलते हैं कुछ दिन बाद अपने नए ब्लॉग के साथ जुड़े रहो मेरे ब्लॉग के साथ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और घंटी बजा दो ताकि आपको पता लग जाए कि मेरा ब्लॉग कब आया है तो सी यू गाइस तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।